आरक्षण को जो इंक्रीज आरक्षण को रद्द किया है, कैसे देखते हैं इस जजमेंट को? देखिए, हम लोग आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। मैं समझता हूँ आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था वो उस पर जो रोक लगी है, इसमें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। जाति जनगणना होने के बाद ही सबका साथ सबका विकास होगा। जाति जनगणना से ही भाईचारा आएगा। जाति जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा। जाति जनगणना से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। जाति जनगणना से ही समाजवाद आएगा। पहला काम एक्सरे मतलब जाति जनगणना। आप प्रधानमंत्री से मिलेंगे? नहीं, मैंने कहा जरूर, हमारे पार्टी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, जरूर आग्रह। और सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, अपनी बातों को रखेगी और हमें जरूर है कि न्याय वहां से मिलेगा कि बिहार की आबादी बढ़ी है, आरक्षण भी बढ़ने चाहिए। नमस्कार। तो पटना हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि बिहार में हुई जातिवार जनगणना के बाद जो आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 75% कर दी गई थी, अब उस पर रोक लगा दी गई है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी के समर्थन में नीतीश कुमार की सरकार बिहार में चल रही है और नीतीश कुमार की सरकार ने जब तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में थी तब उसने बिहार में जातिवार जनगणना कराई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जब जनगणना कराई तो पूरे देश में आम चुनाव का वक्त आ रहा था। आम चुनाव शुरू नहीं हुए थे लेकिन उस समय जैसे ही जनगणना के आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जब बिहार सरकार ने आंकड़े सार्वजनिक कर दिए तो पता इस देश को पहली बार चला कि जातिवार जनगणना का अर्थ केवल जातियों की गणना करना नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं देश की आबादी में, बल्कि जातिवार जनगणना का अर्थ ये है कि किस जाति के पास क्या कुछ कितना है, किसको उसकी आबादी के मुताबिक हक और हिस्सा मिला है और किसका नहीं मिला है। देश, समाज, राज्य तब तक बराबर नहीं बन सकता जब तक उसमें बराबरी अवसरों में, संसाधनों में ना आए। और जब जातिवार जनगणना के बाद बिहार ने आजाद भारत में पहली बार उसके आंकड़े सार्वजनिक किए तब इस देश को पता चला कि गरीबी के नाम पर हर चौथे में से एक आदमी सवर्णों में गरीब है, तो अब पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय में हर दूसरा आदमी गरीब है, कहीं कहीं तो पूरा समुदाय केवल 10-15% अपनी आबादी के हक और हिस्सा पा चुका है। उसे रोजगार अगर मिला है तो उसकी आबादी का कोई हिस्सा ऐसा है जिसे 10 गुना कम मिला है, तो कोई अब कोई तबका इस देश का ऐसा है जिसे 50 गुना ज्यादा मिल गया। इस तरह के आंकड़े जातिवार जनगणना के बाद आए, वरना इस देश में तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से भी अगर आप एक बार पूछ दीजिए कि जातिवार जनगणना क्या है तो वो नहीं जानेंगे, बुनियादी सवाल का जवाब भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये जरूर कह देंगे कि नहीं नहीं अब 21वीं सदी के भारत में जातिवार जनगणना नहीं होनी चाहिए, जातिवाद तो बढ़ जाएगा इससे। उन्हें पता ही नहीं क्योंकि इस देश में न मीडिया में इस पर बहस खुलकर होती है, न पढ़े लिखे लोगों ने इस पर कोई ढंग का लेख लिखा, किताबें लिखी। एक बार खोज कर देखिएगा कि आपको जातिवार जनगणना पर कितनी किताबें मिलती है, केवल एक किताब मिलेगी और इसके आगे अब इस पर कोई काम नहीं होता, कम लेख लिखे गए, लेकिन वो हुआ और उसके बाद पूरे देश में एक नया विमर्श सेट हुआ। वह विमर्श जो भारत के संविधान को केंद्र में रखता है, वह विमर्श जो सामाजिक न्याय की विचारधारा को केंद्र में रखता है, वह विमर्श जो मंडल आंदोलन का बुनियादी सरोकार था। और उसके बाद बिहार सरकार ने ऐतिहासिक घोषणा की कि चूंकि इस देश में सत्ता व संसाधन में हिस्सेदारी इस देश के SC ST OBC को उतनी नहीं मिली जितने उन्हें मिलने चाहिए, इसकी बुनियाद पर बिहार सरकार ने फैसला लिया कि वो आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे
और 10% ईडब्ल्यूएस को भी अगर शामिल कर दें तो 65% प्लस 10% यानी 75% आरक्षण लागू करेंगे, और वह काम बिहार सरकार ने कर दिया। अब ये राजनीति को समझिएगा, तब उप मुख्यमंत्री कौन थे, तेजस्वी यादव। आपको पता है बिहार में जब जब बिहार में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे बिहार बीजेपी यूनिट रही हो, आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह दें कि हम जातिवार जनगणना के विरोधी हैं, जबकि दिल्ली में बैठकर वो बोलते हैं। उनका केंद्रीय नेतृत्व तो हमेशा इस बात की पैरोकारी में रहता है कि वो जातिवार जनगणना न कराए, लेकिन दबाव इस बात का यूपी और बिहार का है कि वो यूपी और बिहार में जब जाते हैं तो जातिवार जनगणना के पक्ष में बोलते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं। अमित शाह ने तो जाकर के बिहार में इस बात की क्रेडिट ली जब जातिवार जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए और आरक्षण बढ़ाया गया, तो अमित शाह बिहार में रैली करते हैं और कहते हैं कि यह फैसला तब लिया बिहार सरकार ने जब बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ अलायंस में थी। कोई पूछे अमित शाह से कि बिहार में जाकर जातिवार जनगणना का फैसला ले लेती है बीजेपी, यूपी में तो पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, क्या यूपी में जातिवार जनगणना कब होगी, मध्य प्रदेश में जातिवार जनगणना क्यों नहीं हो रही, राजस्थान में जातिवार जनगणना क्यों नहीं हो रही, और देश में पिछले 10 साल के बाद तीसरी बार मौका मिल गया बीजेपी। बीजेपी ने अपने चुनाव में एक बार भी बोला क्या कि वो जातिवार जनगणना कराएगी? क्या बीजेपी आज भी चाहती है जातिवार जनगणना हो जाए? नहीं चाहती। ये बीजेपी बुरी तरह घिर गई बिहार में जाकर, और अब बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी अलायंस में, और केंद्र में नीतीश कुमार ने बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है। 12 सांसद जेडीयू के हैं, वो नीतीश कुमार जिन्होंने जातिवार जनगणना कराई, वो नीतीश कुमार जिन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ा करके पूरे देश में चुनाव का नैरेटिव सेट किया। आरक्षण विरोधी सामाजिक न्याय विरोधी लोग बार बार ये कहते रहे कि ये तो गलत है, ये तो बढ़ाना ही नहीं चाहिए था आरक्षण। उन्हें पता ही नहीं कि तमिलनाडु में आज भी 69% आरक्षण लागू है। कोई जाके बोल दे बीजेपी तमिलनाडु में जाकर बोल दे कि वो आरक्षण जो लागू है वो गलत लागू है, वो नहीं मिलेगा या वो हम छीन लेंगे, ऐसा कुछ भी बीजेपी करने की स्थिति में नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जब बीजेपी जाती है तो बीफ पर कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन जब काउ बेल्ट, सो कॉल्ड काउ बेल्ट यूपी बिहार में आते हैं तो मछली, मटन, मंगलसूत्र, क्या क्या बोल देते हैं। ये राजनीति है जो शायद आप जैसे बहुत सामान्य लोगों को पता नहीं, जब तक समझ आएगी तब तक कितनी देर हो चुकी है, क्योंकि आपको पता ही कहां चलता है। बिहार में जाके जातिवार जनगणना का समर्थन, दिल्ली में आके विरोध, यूपी में आके विरोध, लखनऊ में विरोध, क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ने आज तक जातिवार जनगणना कराई? बोल नहीं सकते इसके लिए, क्योंकि वो भीतर से इसका विरोध करते हैं। ऐसा ही विरोध बहुत सारे लोगों ने किया और इस तरह के कोटे को चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका दायर कि कैसे 7 नवंबर को जो विधानसभा में विधेयक पारित हुआ कि ओबीसी आरक्षण 12% से बढ़ाकर 18%, ईबीसी का कोटा 18% से बढ़ाकर 25%, शेड्यूल कास्ट का कोटा 16% से बढ़ाकर 20% और शेड्यूल ट्राइब का कोटा 1% से बढ़ाकर 2% करने का जो प्रस्ताव दिया गया 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में, वो प्रस्ताव पास हो गया। 21 नवंबर को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी और विधेयक कानून का रूप लेकर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लागू हो गया। और इसका विरोध में एक संगठन यूथ फॉर इक्वालिटी, ये पुराना संगठन है, अगर इसके बारे में आप लोग जानते होंगे तो 2006 में जब मंडल पार्ट 2 जिसे हम कहते हैं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण ओबीसी को दिया जाए, कभी किसी सवर्ण की, जातिवादी सवर्ण की नब्ज अगर पकड़िएगा तो कई बार वो आरक्षण विरोधी निकलेगा। थोड़ा समझदार होगा तो कहेगा कि एससी और एसटी का आरक्षण तो ठीक है, ओबीसी का आरक्षण नहीं होना चाहिए। कितना भी, बहुत थोड़े से ऐसे लोग मिलेंगे आपको इस देश में जो संविधान को समझते हैं, सामाजिक न्याय को समझते हैं, वरना इस देश में जाति वो शय है कि जो जिस जाति का है वहीं से वो सोचना शुरू करता है, जिस चीज का उसे फायदा मिलता है या उसने अपने परिवार में, अपने घर परिवार पे, अपने दोस्तों के बीच जो सुना है वही उसकी धारणा है, वही उसकी सोच है। अगर वो सवर्ण है तो अमूमन वो आरक्षण विरोधी होगा,
अगर वो दलित पिछड़ा है तो उसे दूसरे ढंग से आरक्षण को सोचने का कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। इस देश में नागरिक बोध इतना कम, थोड़े से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं जाति के ऊपर उठ करके विचारधारा कि मनुष्य तब तक मनुष्य नहीं है जब तक समानता व न्याय के मूल्य को नहीं मानता। और समानता और न्याय का मूल्य कहता है कि अगर किसी को जात के नाम पर हजारों साल से शोषण का शिकार बनाया गया तो उसे जाति के नाम पर विशेष अवसर दे दो ताकि वो बराबरी तक तो पहुंचे। लेकिन कल्पना करें इस देश में एक संगठन बना हुआ यूथ फॉर इक्वालिटी। कौन सा यूथ है जो इक्वालिटी की बात करता है? और कौन सी इक्वालिटी? क्या आरक्षण से इक्वालिटी नहीं आती? क्या इक्वालिटी रिजर्वेशन दे करके बराबरी का समाज नहीं बनाती? उसे पता ही नहीं, फिर भी इस देश में चल रहा। और उसने फिर से उसने मंडल कमीशन का विरोध किया। मंडल कमीशन के विरोध में लोग कोर्ट गए तो इंदिरा सानी जजमेंट आया और फिर वही मंडल कमीशन जीता और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ओबीसी को एजुकेशन और सोशल बैकवर्डनेस के बेस पर मिला फिर से। लेकिन यूथ फॉर इक्वालिटी के लोग 2006 में जब मंडल पार्ट 2 आया तो फिर से इसके विरोध करने लगे। मैं तो उस विश्वविद्यालय में 13 साल पढ़ाया हूं जो मंडल विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय। बड़े बड़े प्रोफेसरों के लिबास उतरते देखे हैं हमने। हम जानते हैं कि उनका जाति का ऐसा कीड़ा है कि कई बार ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार है तो सामने से नहीं दिखता लेकिन भीतर से सब नजर आता। इस बार भी उसी यूथ फॉर इक्वालिटी नामक संगठन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 50% से अधिक आरक्षण न देने का आधार बनाकर बिहार आरक्षण कानून को चुनौती दी। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने बिहार के नए आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया। अब यह अलग तरह का डिबेट है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि उल्लंघन कैसे है। आपको याद है हाई कोर्ट है उस पर अभी बात होगी नहीं, प्रतिक्रिया आई। सम्राट चौधरी जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और आजकल वो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री है, बेचारे मुरेठा बांधे हुए हैं। जब तक नीतीश कुमार को मिट्टी नहीं मिला देंगे, सत्ता से नहीं हटा देंगे, सत्ता से हटाने कहा था, व्याकुल नहीं होंगे और मुरेठा नहीं खोलेंगे। आज हालत क्या है? वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उनके ठीक बगल वाली छोटी वाली कुर्सी पर सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, ईडब्ल्यू ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे मुरेठा के साथ। मजबूरी है बीजेपी के बड़े नेता की यह कहना कि बिहार सरकार इस फैसले के विरोध में आगे और कदम उठाएगी, बिहार सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। बाहर बीजेपी, बिहार में बीजेपी प्रतिबद्ध है आरक्षण को बढ़ाने के लिए। और लखनऊ आते आते पत्रता खत्म हो जाती है, उसके आगे आप बढ़ते हुए वो भूल जाते हैं कि आरक्षण भी कोई चीज है, सामाजिक न्याय भी कोई चीज है। ये एक बीजेपी चक्रव्यूह में फंस गई है। इसलिए इस पूरे फैसले के बाद नीतीश कुमार तो फंसे ही फंसे, ज्यादा बड़ी मुश्किल और चक्रव्यूह में फंस गई बीजेपी। अब बीजेपी क्या करेगी? क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाएगी ये कहने कि नहीं भाई, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब हमने 10% दिया तो ईडब्ल्यूएस के खिलाफ 44 रिट पटीशन दाखिल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की, सुनवाई की, उस पर 5 जजेस की बेंच ने 3 और 2 से डाइवर्जन के साथ ईडब्ल्यूएस के पक्ष में फैसला सुनाया। और उस समय उन्होंने कहा कि 50% यानी 49.5% एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन तो पहले से ही है, यानी अगर एससी एसटी ओबीसी तीनों ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं तो ईडब्ल्यूएस केवल सवर्ण आरक्षण हुआ कि नहीं, और अगर यह आरक्षण सवर्ण आरक्षण है तो यह जाति के नाम पर क्यों नहीं हुआ, और अगर यह गरीबी के नाम पर होता तो इसमें सारे वर्गों के गरीब होते, लेकिन सारे वर्ग के गरीब है नहीं, इसलिए ये 50% के ऊपर 10% निकल जाता है, यानी 60% आरक्षण इस देश में लागू होता है। कैसे डिबेट होती है इस देश में, मैं तो सोचना चाहता हूं, जरा आप भी सोचकर बताइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर 50% की अपर लिमिट है तो तमिलनाडु में 69% आरक्षण जाने कब से चला आ रहा है, कैसे? क्या सुप्रीम कोर्ट में इसके चैलेंज नहीं हुई? हुई, लेकिन
उसका तर्क यह था कि वहां की आबादी के मुताबिक एक राज्य को इसका हक है कि वो अपने यहाँ के नागरिकों को उनकी बराबर के तरह अधिकार और हिस्सा दे सकता है, फिर बिहार क्यों नहीं दे सकता। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड इन दोनों जगहों पर भी आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया, शायद एक जगह 75% और एक जगह 77% किया गया। दोनों जगह राज्यपाल बीजेपी के द्वारा भेजे गए बीजेपी के पक्ष के लोग थे और आज तक छत्तीसगढ़ और झारखंड में आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई। अगर बिहार की बीजेपी बिहार सरकार के साथ इस फैसले के खिलाफ या इस फैसले से नाराज होकर आगे बढ़कर कोर्ट में जाती है कि नहीं आरक्षण की सीमा बनाए रखना होगा, तो सवाल पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार, फिर वहां के भूपेश बघेल सरकार ने जो 77% आरक्षण दे दिया उसको लेकर कोर्ट क्यों नहीं जा रही और उसको लागू क्यों नहीं करा रही, किसके कारण वो फंसा हुआ है? राज्यपाल, तो राज्यपाल भी तो बीजेपी के बैक डोर से बीजेपी के हैं, और अगर कोई बाधा नहीं है तो आप लागू क्यों नहीं कर रहे? और अगर कानूनी अड़चन है तो जैसे बिहार की बीजेपी कोर्ट में जाएगी कि नहीं नहीं हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं, हम सहमत नहीं है, हम सबको सबके हिस्से का हक देते हैं, तो छत्तीसगढ़ बीजेपी क्यों नहीं कोर्ट जाएगी, झारखंड बीजेपी क्यों नहीं कोर्ट जाएगी, यूपी बीजेपी क्यों नहीं कहेगी कि हाँ हमारे यहां भी जातिवार जनगणना होनी चाहिए? और अगर ये सब कहेंगे तो दिल्ली वाली बीजेपी का क्या होगा? आज की तारीख में बीजेपी की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि नहीं नहीं बिहार में सबको, क्योंकि बिहार यूपी मंडल आंदोलन की जमीन है, सामाजिक न्याय की वैचारिकी, राजनीति की वैचारिकी जो आरएसएस और बीजेपी के सामने चुनौती बनी रहती है, आज भी वहां आप आरक्षण के विरोध में बोलकर राजनीति तो नहीं कर पाएंगे। बीजेपी को यह बात पता है, 2015 का चुनाव बीजेपी भूली नहीं होगी। मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, फिर आरएसएस की समीक्षा हो गई थी, 14 का विजय रथ 15 में बिहार में रुक गया था। बिहार में बीजेपी को भी जातिवार जनगणना का समर्थन करना पड़ता है, बिहार में बीजेपी को भी यहां पर आरक्षण का समर्थन करना पड़ेगा, और अगर ये होता है तो बीजेपी के अपने चक्रव्यूह में नहीं फंसती। तेजस्वी यादव ने इसीलिए इस पूरे मामले में ये बात कही कि बिहार के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए हम आगे तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। सदन में खड़े होकर उन्होंने कहा, अलग अलग जाति के नेताओं से पूछवा दिया, बताइए भाई ओम प्रकाश राजभर जी आप जातिवार जनगणना चाहते कि नहीं चाहते, बताइए भाई मंत्री बने हैं संजय निषाद जी बताइए आप चाहते कि नहीं चाहते, बताइए भाई ये आशीष पटेल जी आप अपना दल वाले सब चाहते हैं बीजेपी के छोड़ करके। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिवार जनगणना होगी, और अगर यूपी बीजेपी बिहार बीजेपी जातिवार जनगणना के पक्ष में आरक्षण के पक्ष में है तो यूपी में क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? आप जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस तरह की बातें लोग मजाक उड़ाते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, मोदी जी के, कितना मूर्ख समझ रहे हैं आप। ये बीजेपी इतने बुरे ट्रैप में फंसी हुई है इस समय बिहार के आरक्षण वाले सवाल पर, और अब ये होना देखना तय है। नीतीश कुमार बुरी तरह फंसे हुए हैं कि जनाब करें तो करें क्या, पैर की नाप ले लिया, हाथ की नाप ले लिया मोदी जी की, अपने तस्वीरें देखी ना, शपथ ग्रहण के बाद पैर की नाप ले रहे थे मोदी जी की नीतीश कुमार, अभी नालंदा वाले कार्यक्रम में हाथ की नाप ले रहे थे नीतीश कुमार मोदी जी की, अब किसकी नाप लेकर के क्या करेंगे? आपका तो ड्रीम नैरेटिव है सोशल जस्टिस, समाजवाद की विरासत के निकले हुए आप योद्धा हैं नीतीश कुमार जी, आपने राजनारायण लोहिया और जेपी की विरासत से, आपने समाजवादी नेताओं की विरासत से, जॉर्ज फर्नांडिस की विरासत से समाजवाद का पाठ सीखा। कम से कम नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ में तो अंतर है ना, नीतीश कुमार जी अंतरात्मा तो आपकी है ना, तो आप क्या करेंगे? बुरे आप भी फंसे हैं, रेल मंत्रालय वैसे भी आपको मिला नहीं, आपको मनपसंद मंत्रालय मिला नहीं, किस कोई 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 कमजोर नस दब गई क्या, ये सोचिएगा जरा। आप लोग भी अगर ये जानते तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नीतीश जी इतने लाचार और बेबस क्यों नजर आने लगे, क्या बालिका सुधार गृह वाला कोई मामला है क्या, कोई सृजन का मामला है क्या? और अगर ये दोनों मामले नहीं है तो फिर खुददारी का मामला कहां गया? आप तो इतने बड़े कद पर 12 सांसद आपके, और आपने कोई बढ़िया मंत्रालय लिए बिना भी एकदम हाथ और पैर के नाप लिए जा रहे, और अब देखिए अब आपके साथ क्या होगा। और बीजेपी को यह सोचना होगा कि आरक्षण के मुद्दे पर अगर बिहार में वो अलग राय रखती है
तो यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह से सवाल पूछे जाएंगे, महाराष्ट्र तक पूछे जाएंगे कि भाई बाकी जगह पर क्या है। और आप जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो देखते हैं, नसीब वाले का नसीब नीट का पेपर लीक करा रहा है, नेट जेआरएफ का पेपर लीक करा रहा है, राहुल गांधी आंख में आंख डाल करके कह रहे हैं पॉपा वोर रुकवा दी, पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे। ये है नसीब बदलाव। और इस बदलाव के बीच में बिहार में आरक्षण के इस पूरे मसले पर कोर्ट का रोक लगाना, और सम्राट चौधरी और बीजेपी का कहना है कि नहीं हम आगे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, ऐसा लगता है कि ग्रह दशा थोड़ी बदल सी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा जब उत्तर प्रदेश के 37 सांसद लोकसभा में खड़े होंगे और खड़े होकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूछेंगे कि बताए बीजेपी वो जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही, वो जनगणना क्यों नहीं करा रही, वो जनगणना का समर्थक है कि विरोधी है, बीजेपी दिल्ली में बैठकर क्या बोलेगी, क्योंकि बिहार में तो वो जातिवार जनगणना के समर्थन में है और कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, तो फिर दिल्ली वाली बीजेपी क्या बोलेगी। यूपी बिहार मंडल के अगले एरा में प्रवेश कर रहा है, सामाजिक न्याय की विचार की प्रवेश कर रहा है, इसलिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने राजनीति के व्याकरण में नए पन्ने जोड़ दिए हैं। आने वाले दिनों में उन पन्नों से आप नई इबारत लिखते हुए देख सकेंगे। इस पूरे प्रकरण पर आज का क्या, आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।